नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान महादान का सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिल रहा एवं इस प्रयास से लोगों की जान बचाई जा रही। वही जिला अस्पताल में एक कुपोषित प्रियंका बैगा नामक बच्ची भर्ती है, जो थाना मानपुर क्षेत्र के गाँव डुटका की निवासी है। एवं चंदिया थाना क्षेत्र में भी एक गर्भवती महिला को खून की कमी के कारण उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों मरीजों की जान बचाने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार राय, मोहम्मद इरफान एवं ब्लड इंडिया डोनर संगठन से पुलिस कर्मचारी मुकेश पंद्रे सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता गण रक्तदान महादान में सहयोग करने के लिए आगे आकर रक्तदान किया है। एवं संगठन के द्वारा विभिन्न शहरों में भी जरूरतमंद लोगों को सहयोग करते हुए रक्तदान किया जा रहा। वही जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने रक्तदाताओं के कार्य की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। वही जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पदस्थ कर्मचारियों ने सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान महादान कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे जरूरतमंद रोगियों की जान बचाई जा सके। पेशुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सर जी, आपसे सभी नगर वासियों से मेरी निवेदन है कि मेरी पत्नी की खून की कमी है तो खून की व्यवस्था करवा दीजिएगा। उमरिया जिला में हॉस्पिटल में भर्ती है, खून की जरूरत है, वो डर करके रहने वाले हैं। अभी मुझे ब्लड डोनेशन ग्रुप ऑफ इंडिया के द्वारा जानकारी मिली कि मानपुर निवासी प्रियंका बैगा, जो कुपोषित से ग्रसित है, उसे ब्लड की आवश्यकता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ब्लड देने के लिए, और लोगों से अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करें। हम चंदिया के रहने वाले हैं, उनकी ब्लड की कमी थी तो ब्लड डोनेट इंडिया वाले पूरा हो चुका है। रहने वाले हैं, हमारा नाम धीरज, हमारी पत्नी का नाम सुमन है, उनकी ब्लड की कमी थी जो मिल चुकी। सर, मेरा नाम पवन कुमार राय है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि ऐसे कुपोषित बच्चे, थैलेसीमिया के पेशेंट हो गए या कुपोषित बच्चे हो गए, किसी भी प्रकार के असहाय व्यक्तियों के लिए रक्तदान महादान जिला उमरिया ब्लड डोनर इंडिया, हम लोग अपने तरफ से हर प्रयास करते हैं और सभी देशवासियों से यही चाहते हैं कि वो अपने आप में सक्षम हों, जिससे हम लोगों की समाज में सेवकों की जरूरत ना पड़े। मैं भी, मेरे को जानकारी मिली कि प्रियंका बाई बैगा हैं, उनकी एक बच्ची है 1.5 साल की जो कुपोषित है। मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए रक्तदान करें, आगे आए, समर्थन करें। मैं पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जिला उमरिया मध्य प्रदेश में हवलदार के पद पर सेवारत हूँ 17/4/2002 से। कल के समय में और उसके पूर्व से हमने व्हाट्सएप ग्रुप ब्लड डोनर ग्रुप इंडिया का निर्माण किया था, जिसके तहत 12/12/2020 से लगभग प्रत्येक देश के कोने कोने में ब्लड उपलब्ध कराने का, प्रदाय करने का हमारा उद्देश्य रहा है। ठीक उसी क्रम में आज यहाँ वर्तमान में चंदिया निवासी जो महिला थी गर्भवती, जिसे ब्लड की सख्त आवश्यकता थी, उसे ब्लड उपलब्ध कराया गया है। और इसी प्रकार से हम तमाम देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि वो आगे आएँ और ब्लड, SPG, प्लाज्मा इत्यादि जो भी प्रकार की आवश्यकता मरीजों को आवश्यक पहुंचती है, उसे पहुंचाने के लिए अपने तरफ से प्रयास करेंगे। जब हर बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल है, जिसे ब्लड की सख्त आवश्यकता है, जो कि ग्राम डेढ़का गांव जिला उमरिया की रहने वाली है, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि उसे ब्लड उपलब्ध कराने का कष्ट। एक प्रियंका बैगर जो यहाँ पे पीकू में भर्ती है, पीडियाट्रिक ICU में, तो उनको ब्लड की आवश्यकता रही है और वो परेशान रहे उसके परिजन, और तभी यहाँ स्थानीय ब्लड डोनेशन ग्रुप से संपर्क किया गया और एक अभी डोनर आकर जो है उसके लिए रक्तदान किया है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके से सेवा भाव रखते हुए बैंक में आकर ब्लड डोनेट करें, ताकि किसी की जिंदगी बचाई जाए।